هندو قتانت يجي قال لي سكري قرب اللي بمسوبه. सिकरी गर का मतलब है सकल, सकल कहते हैं तेज़ करने को। पहले ये तलवार तेज़ किया करते थे, उसके बाद दूसरा काम ये शुरू हो गया, कैंची उस तरह ये वाला। मेरा नाम गुलजार हुसैन दुरानी है और ये पेशे के लिहाज से सिकली गरों के से मशहूर हैं हम। ज़ात जो कौम है हमारी वो दुरानी पठान है। हम अफगानिस्तान से हमारे आबाओ अजदाद आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने डेरा जमाया है और ये काम तकरीबन अब आठवीं पुश्त के अंदर दाखिल हो चुका है। आठवीं पुश्त के अंदर ये दाखिल हो चुका है, लेकिन ये हमारा जो काम है ये टेक्निकल हैंड है, कोई मशीनी काम नहीं है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं वैसे भी हम कर रहे हैं। मेरा नाम एजाज हुसैन दुरानी है, मैं इस गली का बहुत कदीमी रहायश पज़ीर हूँ। मेरा दादा है ना वो अफगानिस्तान से आया था, यहाँ पे आके वो सेटल हुआ था, यहाँ पे सेटल हुआ है और यहीं पर उसने यही काम शुरू किया था। ये जो गली है ना मेरे अजदाद के पेशा से मंसूब है, गली सिकली गरों वाली। 1905 में मेरा दादा फौत हुआ था, वो इससे पहले यही काम करता था। आप खुद अंदाज़ा लगाइए वो कौन सा सन होगा। ये लोग यही काम करते थे जब ये तलवारें तेज हुआ करती थी, तलवारें थी, उसके बाद और असला था जो तेज़ करके दुश्मन पे चलाया जाता था। उसके बाद ये पाकिस्तान बना तो यही पेशा हुआ हमारे अजदाद का, हमारे रिश्तेदारों का। हमारे यहाँ पर 14-15 दुकानें थी मामू के लड़कों की। आज एक इमामिया गेट पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक और तीन दुकानें रह गई हैं। पेशा तब ख़त्म हो गया तकरीबन और यही काम चल रहा है सिकरी गरों वाला, और कोई काम नहीं है। मेरे कज़न भी यही काम करते थे, अला बख्श पहलवान कादर भाई दुरानी, मेरे मामू अब्दुल्ला करीम बख्श, हुसैन बख्श, ये सिकरी गरों वाले काम करते थे। उसके बाद उनके औलाद खुदा बख्श हो गया, मोहम्मद हुसैन हो गया, सादिक हो गया, जाफिर सिकरी गर हो गया, तमाम यही काम किया करते थे। आज उनके पोते काम कर रहे हैं, ये गुलजार हुसैन बैठे ये काम कर रहे हैं, इमामिया मस्जिद के नीचे मकबूल हुसैन बैठे वो यही काम करता है। हाजी मेरा मामू का लड़का है, उसका बेटा जहाँ पर बैठा है वो काम कर रहा है, वो यही काम कर रहा है। बस हमारी ये तीन दुकानें रह गई हैं, बाकी तमाम अजदाद ख़त्म हो गए हैं। देखें ना 74 ईयर पाकिस्तान को हो चुके हैं, उससे पहले आप पाकिस्तान वो प्री पार्टीशन पाकिस्तान का नक्शा देखें, दुनिया इसका देखें, वो आल इंडिया का नक्शा देखें, ये गली सिकरी गरों वाली मंसूब थी। हिंदुओं के टाइम से ये गली सिकरी गरों वाली मंसूब है, तो पहले ये कैंची उस तरह खुद बनाते थे। आजकल जो है बने बनाए आ रहे हैं, गुजरांवाला से, गुजरात से, लाला मूसा से, वहाँ से लेके आते हैं, मुल्तान से लेके आए, यहाँ बेचते हैं। बनाने वाला काम ख़त्म हो गया है, सिर्फ तेज़ करने वाला काम रह गया है। यहाँ बड़े बड़े नाम जहाँ से गुजरे हैं, खास कर अला भाई पहलवान, कादर भाई दुरानी, मेरा दादा कादर बख्श जिसे कक्कू सिकली गर कहते थे, मेरा चचा गुलाम अली नंबरदार था, 200 साल 150 साल हमने यहाँ पर नंबरदारी की है, हमारे ही नाम से मंसूब है, हमारे यहाँ ये हमारे पास ही कमांड सी इस गली की।